बन्नो दूध पी लिया था ना तूने, फिर पिला दिया लड़कियों को? अब इन्हीं के तो खाने पीने के दिन है अम्मा, पी लिया तो क्या हुआ? लड़कियों की आदत मत बिगाड़, ससुराल में नहीं चलने वाले ये सब चोचले। फिर तो वो जो इस घर में खा ले वही भर है, मेरी चिंता तुम रहने दो अम्मा। अरे तू खाएगी पिएगी नहीं तो लड़का कैसे जनेगी? अरे अम्मा ठीक ही तो कहती है, कुछ महीनों की तो बात है, अपने खाने पीने पर ध्यान दे। अरे हमारे काम में हाथ बटाने की खातिर भी तो कुछ चाहिए ना, दिन रात की मजूरी अब अकेले नहीं होती हमसे, और फिर दो दो बेटियों की शादी भी तो करनी है हमें। अब तो ही इसे समझा रखू, मैंने तो बाबा के यहाँ से भसम भी ला कर दी थी, पर ये खाए तब ना, रोज नागा कर देती है। आज सुबह तूने खाई थी? हाँ खाई थी, पर बहुत कड़वा स्वाद है भसम का, न जाने बाबा उसमें क्या डालते हैं। सुन लिया, भसम में भी स्वाद चाहिए इसे, दो दो लड़कियां पैदा करके जी नहीं भरा तेरा? कान खोल कर सुन ले, मुझे इस बार पोता ही चाहिए। अरे टेम पे भसम खाया कर, दूध भी बढ़वा दिया तेरे लिए, सो पी लिया कर। चार चार औरत जाते हैं इस घर में, अब तो लड़का होने दे, आखिर तेरी इन बेटियों के लिए भी तो भाई चाहिए, टीका किसे लगाएंगी? कैसी है बन्नो? मास्टरनी जी आप? नमस्ते। नमस्ते, आज सब ठीक? हाँ ठीक है। आओ मास्टरनी जी बैठो। इस बेचारी को बैठने की फुर्सत कहाँ, इतने सारे काम होंगे। ये भी तो काम ही है, आपको और बन्नो को लिवाने आई हूँ। आप केंद्र कब आ रही हैं? केंद्र जाने का टाइम हमारे पास कहाँ, घर गृहस्थी भी तो देखनी है। आप तो सयानी हैं, दोनों देख सकती हैं। इन चिकनी चुपड़ी बातों का हम पे कोई असर नहीं होने का, केंद्र तो खाली दिमाग वालों का फालतू काम है। पर पढ़ लिख के तो आप? हाँ हाँ, हम तो रानी महारानी बन जाएंगे। उससे भी बढ़ के, ज्ञान की दौलत तो राजपाट से भी बढ़ के होती है। इस उम्र में हमें राजपाट की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर की रूखी सुखी ठीक है। चलिए छोड़िए माँ जी, पर बन्नो को तो भेज दीजिए। बन्नो के पास भी टाइम नहीं है, जो कुछ तुझे कहना रघु से कह, वही बन्नो का मालिक है। आ रघु आ जा। क्या बात, बहुत ध्यान में दिखता है, क्या सोच रहा है? अरे बात क्या होनी है यार, अगर एक जोड़ी बैल होते तो हमारी बंजर जमीन भी आज सोना उगलती है, दूसरे के यहां मजूरी तो ना करनी पड़ती कम से कम। अब इस टाइम तो तू भूल ही जा, अब तो फसल की कटाई से जो पैसा मिलेगा उसी में गुजारा करना है। पर कब तक, कब तक? थोड़े दिन फसल भी कट जाएगी
फिर महंगाई ये अलग से जीने नहीं दे रही, लगता है इस बरस तो गांव छोड़ के शहर जाना ही पड़ेगा। क्या बात है रघु, आज कुछ ज्यादा ही परेशान है? अरे घर का खर्चा रोज़ बढ़ रहा है यार, और आजकल तो घरवाली को भी अच्छा खाने पीने को चाहिए। फिर से पाँव भारी है उसका, और इस बार तो बेटा ही होगा। हम तो पंडित जी की बात माने थे, रोज सूरज भगवान को अर्घ चढ़वाया, रज्जो खुद ही सुबह उठकर नहा धोकर सूरज भगवान को जल चढ़ाती थी, और बस 9 महीने में सरजू पैदा हो गए। पर ये बन्नो तो दूध भी बेटियों को पिला देती है, और तो और वो बाबा की भस्म भी आए दिन भूल जाती है। वो तो अगर अम्मा ना देखें तो। तेरी अम्मा तो सारे गांव का आगे पीछे देखती है, हर घर की पूरी खबर होती है उसके पास। और क्या, अम्मा किसकी है? क्यों री लाजो, कल तेरी अम्मा आई थी, क्या लाई तेरे लिए? अरे तुम्हें कहाँ से पता चल गया मेरी अम्मा आई थी बुआ? 1 घंटे को तो आई थी। तेरे घर की तरफ से जा रही थी, दरवाजा खुला था सो पीठ देखकर पहचान गई। एक बड़ा सा थैला तुझे दे रही थी, क्या था उसमें? गुड़ लाई थी, हमारे गांव में कोल्हू है ना, सो थोड़ा तुम्हारे लिए भी रख दिया है, शाम को भिजवा दूंगी। अरे सावित्री, कल तूने कितनी धोती खरीदी? अरे तुम्हें तो पता ही होगा बुआ, क्या फेरी वाले से नहीं पूछा तुमने? वो तो 3 बता रहा था, लगता है आजकल चंदर की खूब कमाई हो रही है। इनकी कमाई से नहीं बुआ, अपनी कमाई से खरीदी है। तेरी सारी सिलाई बिक गई क्या? और क्या, कल ही तो नया कपड़ा लाई हूँ, 10 दिन में ब्लाउज तैयार, और फिर देखियो कमाई। ऐसा फराटे से चलती है कि सिलाई का मजा ही आ जाता है, 3 घंटे का काम 15 मिनट में, और एक एक टाका बिल्कुल बारीक। पता है कल मेरी भी मशीन आ जाएगी, फिर पासे पान, नासे नल और मासे मशीन। कौन सी मशीन की बात कर रही हो तुम लोग, सबके घर में मशीन उगाने का पेड़ लग गया है क्या? यही समझ लो बुआ, अब तो सिलाई कढ़ाई तुरपाई और बढ़ती कमाई। पर ये करामात हुई कैसे, जरा हम भी तो सुने। बुआ पासे किताब, पासे पढ़ाई, मासे मशीन और सासे सिलाई। ये कौन सी पहेली है? ठीक है मत बताओ, बुआ से दिल लगी करने में तुम लोगों को खूब मजा आ रहा है ना? अरे कोई पहेली नहीं है बुआ, हम केंद्र में पढ़ने लिखने जाते हैं ना, वहाँ जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है उसे केंद्र की तरफ से सिलाई मशीन मिलती है मुफ्त में। और क्या, सब खबर तो तुम्हारे पास है बुआ, पर काम की बात में चूक गई ना। अभी कौन सी देर हो गई है, पढ़ाई लिखाई की भी कोई उम्र होती है? अरे हमने तो उसी दिन मास्टरनी से कह दिया था, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी होती है। ना, ल, नल, अब लिखो। मास्टरनी जी, पढ़ाई लिखाई की भी कोई उम्र होती है क्या, बताइए तो। कितनी बार बन्नो को समझाया कि 4 अक्षर पढ़ लेगी तो उसी के काम आएगा, पर ये सुने तब ना। सच कहूं, हमारा भी पढ़ने लिखने को मन करता है, सारी जिंदगी चूल्हे चौके में बिता दी, अब 2 अक्षर पढ़ लूंगी तो अच्छी बात है ना। मास्टरनी जी, आप हर औरत को सिलाई मशीन दे रही हैं? हाँ, पर उसके हमारा भी नाम लिख लो, हम भी कल से आ जाएंगे। माँ जी मेरी बात तो सुनिए, पहले सब औरतें पढ़ती लिखती हैं, फिर हम उन्हें काम सिखाते हैं, कुछ सीख जाने पर ही उन्हें मशीन मिलती है। तो क्या पहले पढ़ना पड़ेगा? हाँ, वैसे भी हम एक परिवार को एक ही मशीन देते हैं। वैसे भी बहुत काम है, घर में बच्चे हैं, अगर दोनों जनी यहाँ पढ़ने लगी तो घर कौन देखेगा, आप तो बन्नो को ही पढ़ा लो। अच्छा मास्टरनी, अरे तू क्यों आ रही, तुझे पढ़ना लिखना नहीं है क्या? पर अम्मा घर का कामकाज। मैं हूँ ना, तू दिल लगा के पढ़। अरे कमबख्त, मशीन नहीं लेनी है क्या? आजा बनो, देख तेरे जैसे कितनी है यहाँ पे, 2-4 दिन में तेरा मन भी लग जाएगा, बैठ। ये
क्या बात है, मशीन नहीं मिली? हाथ से सिलाई कर रही है? मशीन के लिए तो अभी और पढ़ना होगा। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, चना चूर गरम, खूब चटपटा है। नहीं अम्मा अभी तो। अरे जल्दी जल्दी खा ले, तू कह रही थी ना चटपटा खाने को मन कर रहा है, सो तेरे वास्ते ले आया, खा 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 ले ना। लखन कह रहा था रामगढ़ से ताबीज लाएगा, वहां के फकीर बड़े सिद्ध हैं, जिनको भी ताबीज दिया समझो उसके घर बेटा हो गया। कहीं इस दफा भी बेटी हो गई तो? क्या भक्ति है, क्या फिर से लड़की पैदा करनी है? अभी दो से मन नहीं भरा तेरा? क्या तुझे बेटे का चाव नहीं है? क्यों नहीं, पर ये सब अपनी इच्छा से कहां होता है। अच्छा, और वो बाबा का भसम, पूजा पाठ, मान मनौती, उस सब से भी कुछ नहीं होता? केंद्र में दीदी बताती थी कि ये सब अंधविश्वास है, बेटा हो या बेटी ये सब पहले से ही तय हो जाता है। अरे चार अक्षर पढ़ लिख के तेरी दीदी बाबा से ज्यादा ज्ञानी हो गई क्या? अच्छा छोड़, ये बतला कि पढ़ लिख के बेटा पैदा करने का भी कोई तरीका बताया है तेरी दीदी ने? नहीं हम सोचे केंद्र में जाने का कुछ तो फायदा हो। नहीं रघु, 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 रघु। अरे क्या हुआ रे लखन, कोई लॉटरी वाटरी निकल आई क्या? अरे यही समझ ले, अपने संकट के दिन अब पूरे हुए। सरकार ने जो राहत कार्य शुरू करवाया था वो जौनापुर तक आ पहुंचा है, सड़क बन रही है और सुना है कि वहाँ और मजदूरों की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी खबर लाया, हमारे भी भाग जाग गए, वरना फसल कटते ही दिन पार हो जाया करते थे। इस बार तो काम भी रहेगा और कमाई भी हो जाएगी। तो चल, ठेकेदार है कोई बल्लू बाबू, वही सबका नाम दर्ज कर रहा है, अब जल्दी कर। अरे भाई चल रहा हूँ, सड़क कहीं भागी जा रही है क्या? रघु एक बात जानता है क्या? जो बड़े इंजीनियर है ना वो कोई साहब नहीं है, मेम है। क्या? अरे क्या सुबह सुबह भांग चला के आया है क्या उसमें तो है? अरे भगवान कसम हम तो खुद ताज्जुब में पड़ गए थे। अब चल खुद ही चल के देख लेते हैं। चल ये चमत्कार भी देखते हैं। हाँ चल। ये भैया को ठेकेदार साहब कहाँ मिलेंगे? अरे यहाँ टेंट में। आजा। बलदेव बाबू। जी सर। ये बीच वाली सड़क कितनी लंबी है? यही कोई 15-20-25-30 मील सर। आपको 15 और 30 में कोई फर्क नहीं दिखता? है ना सर, एकदम डबल है, 30 तो 15 का दुगना है ना सर। आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। साइट सर्वे कंप्लीट नहीं है क्या? एकदम कंप्लीट है सर, मैं खुद साइट पे गया था। और क्या देखा आपने? यही कि सड़क बननी चाहिए, रास्ता बहुत खराब है ना सर। मैं आपसे सड़क की लेंथ के बारे में पूछ रही हूँ और आप कुछ और बता रहे हैं। मैं अभी चेक करके आता हूँ। हुजूर 25 मील जितना रास्ता है। यस सर। और नए मजदूरों के रिक्रूटमेंट रजिस्टर्स वो तैयार है? रजिस्टर एकदम तैयार है सर, बस नाम भरना बाकी है। खाली रजिस्टर से क्या होता है, उसमें मजदूरों के नाम भी तो होने चाहिए। बस अभी काम शुरू हो रहा है हुजूर, सब हमारी ही राह देख रहे हैं। अब आप आज्ञा कर रहे तो सर। हाँ हाँ शुरू कीजिए। और सुनिए, मजदूरी लेबर लॉस के मुताबिक ही होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस का ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। रघु आजा बात करते हैं। अरे आ ना। आप ठीक तो हो बल्लू बाबू, कुछ ठंडा उंडा मंगवाए? अरे क्या खाक ठीक हैं, ऐसे ऐसे 2-4 अफसर और आ जाए तो समझो मटिया मीट है। पर बल्लू बाबू आप उन्हें सर क्यों बुला रहे? अब तुम ही बताओ बनारसी, वो कहीं से मैडम लगती है, अफसर को सर न कहें क्या कहें बताओ। अरे मैं और लखन तो हक्के बक्के रह गए थे, कहा बताएं अम्मा, वो तो औरत दिखती ही नहीं थी। अरे तो क्या दिखती थी, हम औरतों जैसी नहीं थी क्या? अरे कहाँ कहती है अम्मा, कहाँ गांव की औरतें और कहाँ मैडम। ये
लेकिन मैडम क्या होता है जी? अरे तू नहीं समझेगी, मैडम बहुत बड़े अफसर को कहते हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो औरत है या अफसर? अरे दोनों है अम्मा, औरत भी और अफसर भी। ये भला कैसे हो सकता है? अरे तूने दुनिया देखी कहाँ है, हमसे पूछ क्या रौब था, क्या अकल थी। अरे वो ठेकेदार नहीं अम्मा, बल्लू बाबू, उसकी तो उनके सामने गिग्गी बन गई थी, ये यूं थर थर कांप रहा था अम्मा। क्या पहने थी वो, पेंट बुशर्ट? अरे बताते हैं, साड़ी पहने थी, साड़ी धोती होती नहीं, जैसे सीधे सुखिया धोबी के घर से निकल कर आई हो। ऐसे फर्राटे से अंग्रेजी बोलती थी अम्मा की, एंड व्हेन यू फुलिश डू कम टू गेट पिट। ये तो क्या बक रहा है रघु? अरे तू नहीं समझेगी अम्मा, अंग्रेजी है अंग्रेजी, यंगलेस। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हमारी ज्योति दीदी भी बोल लेती हैं। कहती थी कि मुन्नी को स्कूल में भर्ती करा दो तो एक दिन वो भी क्या बन जाएगी मैडम। केंद्र में मास्टर ने यही सब सिखाती है क्या? पर पढ़ने में हर्जा ही क्या है? बस बस रहने दे। और अम्मा काम के लिए 5 को आगे तक जाना है, सो हफ्ते में एक आध बारी आना हो सकेगा। अच्छा, अब लिखना तो था नाम, पर लगा दिया अंगूठा। लाला की दुकान से सामान लिया 100 रुपए का, पर लाला ने अंगूठा लगवाया 200 पर। अब चुकाते रहो। लेकिन अगर पढ़ना लिखना आता हो तो लाला भी बेवकूफ नहीं बना सकता। लाला बेईमानी उन्हीं के साथ करता है जो पढ़ लिख नहीं सकते। बन्नो क्या खा रही है अकेले अकेले? पर था क्या बता ना बन्नो। बाबा की भस्म होगी। कौन से बाबा, कैसी भस्म? भैरव बाबा है, बेटा होने के लिए देते हैं। फिर वही बात, मैंने तुम सबसे पहले भी कहा था इन भुलावों में मत रहो। खाना ही है तो हरी सब्जी खाओ, फल खाओ, भस्म नहीं। बन्नो तुम ये सब खाते हो? दूध दही गेहूं बाजरा ये सब खाओ, टाइम टाइम पर टीके लगवाओ, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। पर बेटे के भूत का क्या करें, सब मर्दों के सिर पर सवार है। बच्चा स्वस्थ हो, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क है? क्यों बन्नो, ठीक है ना? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि लिखना तो था नाम, पर लगा दिया अंगूठा। ला इधर अंगूठा। पैसे दे, पैसे दे, चल निकाल निकाल, ला अंगूठा दे। पैसे दे, चल निकाल निकाल निकाल, ला अंगूठा दे। पैसे दे, चल निकाल निकाल निकाल। ए बल्लू बाबू, ये 5 रुपए की कटौती किस लिए? क्या मैंने काम पूरा नहीं किया? जितना सबको मिला है उतना ही तुझे भी। पर मुझे मेरी मजूरी के पूरे पैसे चाहिए। क्यों, तू सबसे अलग है क्या? चल चल, टाइम बर्बाद मत कर, चल चल चल। मैंने कह दिया ना, मुझे मेरे पूरे पैसे दे दो। नहीं तो क्या कर लेगा, लेना हो तो ले, नहीं तो दफा हो जा। और सुन, कल से काम पर भी नजर नहीं आना, मुझे काम पे दंगा फसाद पसंद नहीं है। लेकिन मैं तो छोड़ ना। रहने दीजिए बल्लू बाबू, रहने दीजिए। ए विजय, क्यों बेकार में बहस करता है, चल निकल। चल चल, खावा का दंगा कर रहा था। सबको मालूम है कि बल्लू बाबू तो कटौती करेंगे ही करेंगे, पर ये तो सोचो कि रोज के 4 पैसे तो मिल रहे हैं। और क्या, ये काम नहीं होता तो निठल्ले बैठे होते। और क्या, ला पैसे दे, पैसे दे, ला भैया पैसे दे, अंगूठा। हर घर का यही किस्सा है रे रघु, एक खर्च से उभरो तो दूसरा तैयार, कभी शादी तो कभी मुंडन, तीज त्योहार, खाद बीज, आना जाना। अरे इस बार तो हमने भी मनौती मानी है लखन, अगर बेटा हो गया तो हरिद्वार में माता को चुंदरी उड़ाएंगे, चुंदरी। अब तो बाबा ने कह दिया है ना, बस तो होगा ही। अरे हमारी अम्मा को बहुत विश्वास है, मतलब हमको भी है, हमको भी है। अब वो तो बस इतना सा डर है कि कहीं फिर से बेटी न पैदा हो जाए। अरे तो पूरी तरह पता कर ले, 100-150 रुपए लगेंगे और इत्मीनान हो जाएगा। हमसे उलझने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। अरे सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्ची। जा रघु जा, शहर जाकर अपने बच्चे का फोटो खिंचवा ले। अरे पगला गए हो क्या,
क्या अनहोनी किसी बातें कर रहे हो? तुम सब जाहिलो, दिन भर पत्थर तोड़ते हो और अपनी कमर तोड़ते हो, और मलाई ले जाता है वो चिरकुट हर्रामी बल्लू, इस पर भी तुम्हें अकल नहीं आती? अरे पते की बात कह रहा हूँ, पते की। शहर जाकर फोटो खिंचवा ले, बेटा होगा या बेटी तुझे कल ही पता चल जाएगा। क्या सच बोल रहा है बेजे? क्या सही में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। शहर में चौक चले जा, घंटा घर के पास 3-4 क्लिनिक है, वहां तुरंत से फोटो खिंच जाएगी, तुझे मालूम हो जाएगा तेरी किस्मत में क्या है, बेटे का बाप या फिर 3 बेटियों का बाप। रघु मेरी बात तो सुन, जब बाबा ने कह दिया है, बेटा तुझे बाबा की बात पे भरोसा नहीं है क्या? बाबा की बात सर माथे पे अम्मा, मगर फोटो खिंचाने में हर्जा क्या है? शहर जाने में खर्चा नहीं होगा, रुपए की बर्बादी नहीं होगी, जरा सोच रघु। हमने सोच लिया अम्मा। अरे तू तैयार नहीं हुई अभी तक? क्यों परेशान होते हो जी, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है कि नहीं हमको सोचना है, एक बार कह दिया चलना है तो चलना है। चलिए तैयार होके बाहर आ जा, बस का टाइम होने वाला है। देखिए मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन आपकी वाइफ की अल्ट्रासाउंड के मुताबिक आपके यहाँ बेटी होने वाली है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। देखिए आप चाहें तो कहीं और दिखवा लें, और फिर बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी लक्ष्मी जो हमारा घर लुटवा दे। हमें भरोसा नहीं होता डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर से फोटो खींचो, इस बार आपको ठीक दिखाई देगा। बहुत परेशान नजर आ रहे हो, बाहर गांव से आए हो क्या? हाँ, फतेहपुर से आए हैं, शाम के बस से लौट जाएंगे। मैंने वहां सब कुछ सुन लिया था, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ मदद करूं? अरे हमारी कोई मदद नहीं कर सकता भैया, हमारा तो नसीब ही खोटा है, बोझ ढोने की खातिर पैदा हुए थे सो बोझा ही ढोएंगे। इस बच्ची का खर्चा तुम नहीं उठाना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हें इस मुसीबत से क्यों छुटकारा दिलवा देगा। जाना कहाँ होगा? दूसरे डॉक्टर के पास, मेरा जानकार भी है, तुम चलो तो सही। अब तो बस का समय भी हो गया है। भाई चल तो सही, नुक्कड़ भैया दूसरा अस्पताल, बस गए और आए। हाँ भैया, मैंने डॉक्टर साहब से सब बात कर ली है, मेरा बात सुनना। देखो भैया, मैंने डॉक्टर साहब से तुम्हारा सारा काम करवा दिया, अब कुछ मेरी भी सेवा पानी हो जाए तो। वो सामने वाला ही कमरा है, जाके मिलो। क्या कह रहा था जी वो? चल, टेम्परेचर कितना है? नहीं आप एक काम कीजिए, पीली वाली जो टैबलेट मैंने आपको दी थी वो उनको हल्के से गर्म पानी से दे दीजिए, और उसके एक घंटे के करीब मुझे एक साथ बाद में बताइए। अच्छा, एक घंटे के बाद मुझे दोबारा फ़ोन करें। हैं अच्छा, अपने वो पहले वाली रिपोर्ट दिखाई तो बैठिए।
ये रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग चाहते क्या है? इसमें लड़की का ही फोटो है। हाँ, इसको देख के तो यही लगता है। फिर हमें बच्चा नहीं चाहिए, आप ये बच्चा गिरवा दीजिए। आपका मतलब अबॉर्शन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब काफी देर हो चुकी है और वैसे भी 5 महीने के बाद अबॉर्शन से माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारी तीसरी बेटी है, हमें इस सांप से बचा लो। डॉक्टर साहब, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पे रहम कर। डॉक्टर साहब, आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें घर ले जाइए और इनकी और बच्ची की अच्छे से देखभाल कीजिए। अरे नहीं चाहिए आपकी सीख, हमें क्या करना है क्या नहीं हम खुद सोच लेंगे। चल मन्नू।